हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव वन डिस्कस करने वाले हैं। गॉसो चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 30 है। ठीक है, तो इस सीरीज़ का ये क्वेश्चन नंबर 210 है। तो इस क्वेश्चन में चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट। अब जब भी आपको बोल दिया जाए लार्ज प्लेट, और उसके अलावा और एक चीज़ बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ द प्लेट है, मतलब आप प्लेट को इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज का मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप कोई लार्ज प्लेट के बहुत मिड रीजन में अगर किसी पॉइंट को कंसिडर करोगे, तो वहां से अगर देखोगे तो वहां से आपको प्लेट लार्ज या इनफाइनाइटली लार्ज ही दिखेगा। ठीक है, जितना दूर जाते जाओगे उतना प्लेट आपको छोटा दिखेगा, लेकिन बहुत पास रहोगे तो लार्ज दिखेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली लार्ज प्लेट बोला है और उसके मिड रीजन के आसपास किसी पॉइंट को कंसिडर करने बोला गया है, तो आप प्लेट को इन्फाइनाइटली लार्ज मान सकते हो। तो आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे विच इज क्लोज टू द प्लेट, क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। अब प्लास्टिक प्लेट को रिप्लेस कर दिया गया कॉपर प्लेट से। ठीक है, क्या फर्क है? प्लास्टिक प्लेट नॉन कंडक्टिंग है, कॉपर प्लेट कंडक्टिंग है। ठीक है, ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, यही फर्क है। ऑफ सेम ज्योमेटिकल डायमेंशन, दोनों का ज्योमेट्री सेम है, एंड कैरिंग द सेम चार्ज, चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या होगा? तो जब प्लेट प्लास्टिक का था, सपोज ये प्लास्टिक प्लेट है, तो प्लास्टिक प्लेट मतलब नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग प्लेट को आप हमेशा मानना, अज्यूम करना उसमें वन लेयर ऑफ चार्ज है, बस एक लेयर है। ठीक है, और जब कॉपर प्लेट होगा, कॉपर प्लेट में हमेशा दो सरफेस ड्रॉ करना, या कोई भी कंडक्टर में हमेशा दो सरफेस ड्रॉ करना। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें दो सरफेस ड्रॉ करना है ना। ठीक है, अब यहाँ पे भी चार्ज है क्यू आपके पास, और यहाँ पे भी चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, मतलब इस तरफ क्यू बाय टू होगा, इस तरफ भी क्यू बाय टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पी लिए हो आप, भले पॉइंट पी पास में, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, ड्राइंग करना आसान होगा। पॉइंट पी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एक सरफेस के कारण क्या होता है, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, वही सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है ना, तो क्यू बाय जो भी इसका एरिया हो। ठीक है, वैसे यहाँ भी तो एरिया सेम है। अब यहाँ पे दो सर्फेसेस है चार्ज वाले, एक तो ये और एक ये, तो इंडिविजुअल एक के कारण तो आएगा यही फॉर्मूला से, जैसे एक के कारण निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो एक के कारण आया, दूसरा भी तो लगाएगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको तो वही मिलने वाला जो पिछले केस में था। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। यानी पिछले केस, अभी वाला प्रेजेंट वैल्यू और पिछले केस की वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, याद रखना ज्योमेट्री सेम है इसलिए एरिया सेम नहीं है ना। तो सेम वैल्यू, यानी पिछले केस में अगर 10 था तो अभी भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा वो कंडक्टिंग प्लेट में या नॉन कंडक्टिंग प्लेट में। ठीक है, बहुत सारे लोग को लगता है कंडक्टिंग में है, तो क्योंकि नॉन कंडक्टिंग का होता है सिग्मा बाय, सॉरी कंडक्टिंग का होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और नॉन कंडक्टिंग का होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो वो लगता है कि ये चीज़ के डबल है। हाँ डबल है, लेकिन सिग्मा सेम होना चाहिए, तभी तो डबल है, लेकिन यहाँ सिग्मा अलग अलग है। यहाँ पे आप देखो क्यू चार्ज ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ का सिग्मा को अगर सिग्मा बोलेंगे, यहाँ पे क्यू बाय टू चार्ज ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ का सिग्मा सिग्मा बाय टू है। तो हाँ मान लिया मैंने कि कंडक्टर करंट ट्वाइस का फैक्टर रहता है, लेकिन वो सेम चार्ज डेंसिटी होने पर आता है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आप देखोगे तो हाफ है। ठीक है, तो हाफ और ट्वाइस वो दोनों इधर को कैंसिल करके अल्टीमेटली सेम आ जाएगा। ठीक है, ये था 210। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे 210 होगी अपना। नेक्स्ट है 211। ये क्यों खुला हुआ है, इसको बंद करो। अब ये तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एससीवी का क्वेश्चन नंबर 2, अपना तो 210, 211 सॉरी। अ मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो
नेट चार्ज इज प्लेस नियर अ फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपके पास एक मेटल प्लेट है ना, फाइनाइट साइज का है, कैसा भी शेप मान लो, मैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप का मान रहा हूँ, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन जो पूछा गया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और इसके पास एक न्यूट्रल मेटेलिक पार्टिकल रख दिया गया। ठीक है, ऑल्दो ये न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि ये मेटल है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर जाएंगे। ठीक है, खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात नहीं है, आप यहाँ पे इंडक्शन भी तो हो ही सकता है ना, भले डाइपोल हो, है ना, इंडक्शन तो आ ही सकता है, मतलब डायलेक्ट्रिक मटेरियल, सॉरी, इंडक्शन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इंडक्शन के कारण देखो क्या होगा, आपके पास ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है उसके इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन रिपल्सन वाला फोर्स छोटा रहेगा क्योंकि दूर है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज पे जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अट्रैक्ट होगा, है ना। ठीक है, ये था 211। यहाँ पे ध्यान देना कि मेटेलिक पार्टिकल है ना, पार्टिकल मतलब छोटा मान सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही छोटा आप वो रख दोगे, क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दोगे, तो उसमें इंडक्शन के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है ना, वही फर्क है आपका यहाँ पे, यहीं पे अगर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता तो उस पर हम लोग उतना, मतलब उस केस में प्रॉब्ली बहुत कम अट्रैक्शन के चांसेस होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा साइज पे। ठीक है, ये था 211। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको पॉइंट समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, उतना डीप नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, थर्ड क्वेश्चन अपना, इसको तो दो पार्ट में लाना होगा, अलग अलग पेजेस पे है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको 212 में क्या पूछा है, थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज क्यू ऑन इट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज क्यू वन इज प्लेस्ड आउटसाइड इट एट शोन इन द फिगर, तीनों चार्जेस पॉजिटिव है। ठीक है, तो द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज, तो सेंटर पे जो चार्ज है यानी ये, इस पे फोर्स कितना है। ठीक है, अब हमेशा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है, फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा या आउटसाइड निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको इनसाइड निकालना है, मान लो इस केस में इनसाइड निकालना है, तो आप आउटसाइड चार्जेस को एब्सेंट मान के क्वेश्चन कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इस चार्ज को एब्सेंट मानेंगे तो दोनों केस एग्जैक्टली सेम है, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, दोनों केस में बहुत फर्क है, लेकिन एज फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज कंसर्नड, आउटसाइड चार्ज को आप एब्सेंट मान सकते हो। ठीक है, तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, वो निकालना है किसी पॉइंट पे, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस सिचुएशन को इक्विवेलेंट मानूंगा इसके, यहाँ पे नो आउटसाइड चार्ज जो रखा होता Q1 को एब्सेंट मानूंगा, या Q1 को एब्सेंट मानूंगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, बस अब सपोज Q1 एब्सेंट है, आपको इसको देखना है बस, है ना, तो आपका सेंटर पे एक चार्ज है प्लस, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया पॉजिटिव, इसमें प्लस साइन दे रहा हूँ, अब आपको पता है कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, इस केस में क्या फर्क आता है, इस केस में आपका देखो अभी यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आया है ना, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है इस फिगर में, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को दिख रहा है ना, दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट फिगर था, यहाँ पे जो प्लस क्यू रहता है ना आउटर सर्फेस वाला, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, क्योंकि ये वाला प्लस उसको नॉन यूनिफॉर्म कर देता, कुछ ऐसा रहता है, यहाँ कम, यहाँ ऐसा, इस फॉर्म का रहता है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव रहता है, ये उसको डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, मतलब जरूरत ही नहीं है,
अपना सोचने का, इसलिए हम लोग हमेशा बाहर वाले को एबसेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आने वाला, बाहर वाला प्रेजेंट हो या एबसेंट हो, ये गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पे जो चार्ज है यानी क्यू पे कितना फोर्स है, अब यहाँ पे फोर्स निकाल लो, अब इस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है, ये नेगेटिव चार्जेस जो है, लेकिन ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फोर्स जीरो, पॉजिटिव चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फोर्स जीरो, तो क्यू पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एज फार एज इस पे फोर्स निकालना आपको, तो इस केस में और इस केस में फोर्स सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना, ऑल दो दोनों फिजिकल सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है तो मैं डायरेक्टली उसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये प्रीवियस सिचुएशन का ही बात कर रहा है ना, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 है ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 213 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखना आपको, थर्ड नहीं देखना, ठीक है, इसको थोड़ा उधर लेते जाओ, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम जो कि ये दिख रहा है हमें, द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इट द शेल इज, अब शेल के कारण सेंट्रल चार्ज पे कितना फोर्स है, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि आपको पता चल गया कि सेंट्रल चार्ज पे फोर्स कितना है, जीरो, तो नेट फोर्स जीरो है ना, नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज मैंने लिख रहा हूँ, या नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज इज जीरो, मैं लिख नहीं रहा हूँ सेंट्रल चार्ज, ठीक है, ध्यान देना, नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज इज जीरो, ठीक है। अब सेंट्रल चार्ज पे तो तीन लोग ही फोर्स लगा सकते, दो ही लोग फोर्स लगा सकते, मतलब दुनिया में जितने भी चार्जेस उसको आप दो कैटेगरी में तोड़ सकते हो, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल, ठीक है ना, सॉरी बाय द वे पिछले क्वेश्चन में क्यू चार्ज था तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, तो खाली ये फर्क होता कि माइनस क्यू यहाँ जो आएगा बाहर में क्यू प्लस क्यू आएगा, ठीक है। मैं खाली क्यू लिया था क्योंकि मैं न्यूट्रल समझ रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अभी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मुझे दिखा क्यू भी था, ठीक है, तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, अब इतना अजीब लग रहा तो मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ, तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू हो जाएगा फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू शेल प्लस फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू क्यू वन, कर सकते हैं ना सर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है तीन ही चार्जेस है इस क्वेश्चन में, ये और ये, या तीन ही ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में, है ना, एक तो क्यू वन है, एक शेल है, तीसरा ये पॉइंट चार्ज अगर सेंटर है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैटेगरी में तो तोड़ ही सकते हैं। हाँ, तो आपसे ये पूछा है, यही तो पूछा है आपसे, ठीक है, तो फोर्स ऑन क्यू, ये तो नेट फोर्स ऑन क्यू है, ये तो जीरो है, आपको पता है, आप पिछले क्वेश्चन को बनाए थे, तो क्यू पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है, ये आपको पता है। तो सेकेंड वाला पार्ट निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू क्यू वन, अब स्मॉल क्यू पे फोर्स ड्यू टू क्यू वन, अभी तो सिंपली पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, तो आप सिंपल क्या करो, आप कूलम्स लगाओ, ठीक है, आपको पता है दोनों पॉजिटिव है ना, एग्जैक्टली मुझे वो नहीं जानना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको खाली डायरेक्शन पूछा, ठीक है, तो ये वाला फोर्स तो आपको पता है लेफ्ट की तरफ है, तो ये वाला फोर्स किस तरफ होगा, जीरो करने के लिए राइट की तरफ होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट मिलेंगे तभी तो जीरो होगा, यानी फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू शेल किस तरफ है, राइट की तरफ, समझ में आई बात। हाँ, अब इतना तो ये तो पूरा मतलब हम लोग इक्वेशन वगैरह लगा के प्रूफ किए, या बेसिक कूलम्स लॉ से डायरेक्शन वगैरह लगा के प्रूफ किया ना, इसको अदरवाइज भी प्रूफ कर सकते थे दूसरे तरीके से भी, आप ऐसे समझो अगर हर चीज़ को देखना चाहते हो, तो ये प्लस क्यू है, यहाँ वाला चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, ठीक है, और यहाँ वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्म आएगा क्योंकि बाहर में एक प्लस क्यू है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो आपके पास इस स्मॉल क्यू पे ड्यू टू शेल पूछा था, अब शेल के चार्जेस को आप दो कैटेगरी में तोड़ सकते हो, एक इनर सरफेस वाला चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण इस चार्ज पे क्यू पे फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। आउटर सरफेस वाला चार्ज आप देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा है कम्पेयर टू यहाँ, तो ये वाला पॉजिटिव जितना कस के रिपेल करेंगे, ये वाला पॉजिटिव उतना कस के रिपेल नहीं करेंगे, तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा, तो आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते थे राइट की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये था 213, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 214।
फिफ्थ सिक्स्थ एक साथ ले लेते हैं, 214, 215, नहीं क्योंकि उसमें तो डायग्राम लिखना ही है फिर से। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज। ठीक है, अब ध्यान देना कि टोटल चार्ज को सराउंड करने के बाद एक 10 सेंटीमीटर रेडियस के स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 20 वोल्ट बन गया। सपोज ये टोटल चार्ज आपका जितना भी चार्ज है इस वॉल्यूम में है ना, अब इसको सराउंड किया है ये स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लक्स बोल दिया 25 है, तो अगर कंसेंट्रिक स्फीयर ले ले जिसका रेडियस 20 है, ऑफ कोर्स अगर अंदर वाला स्फीयर पूरा उसको इनक्लोज कर रहा है तो बाहर वाला स्फीयर भी तो नेट चार्ज सेम ही इनक्लोज करेगा ना। ठीक, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज आपको पता है अंदर वाले स्फीयर के अंदर है, ये अंदर वाले स्फीयर इनक्लोज कर रहा है तो बड़ा स्फीयर तो उसको इनक्लोज करेगा, ये कंसेंट्रिक है। ठीक है, तो बाहर वाले स्फीयर के थ्रू भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेट फ्लक्स खाली चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है, और बड़ा स्फीयर छोटे स्फीयर को पूरा इनक्लोज कर रहा है, छोटा स्फीयर चार्ज को पूरा इनक्लोज कर रहा है, मतलब दैट इंप्लाइज बड़ा स्फीयर चार्ज को पूरा इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, ये था 214। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 215। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन इस बुक के हिसाब से, तो ये दो पार्ट्स में लेना होगा हमें, और यहाँ पे डायग्राम, डायग्राम बोले तो ग्राफ, एक पार्ट ग्राफ एक पार्ट डायग्राम। ठीक है, तो आपके पास 215 में एक इमेजिनरी क्यूब है जिसका साइड लेंथ एल बाई टू है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लेंथ एल है, उसको मूव किया जा रहा है विथ ए स्मॉल स्पीड ऑफ वी। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो द लेफ्ट एंड जस्ट टचेज द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब अपोजिट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन है, ये जो फिगर दिया गया टी इक्वल टू जीरो, ये रॉड याद रखना आपका बोल दिया चार्ज है ना मूव्स। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज द रॉड, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो है ना, आपका मन, सपोज मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, वैसे पॉजिटिव बोलना चाहिए था तभी तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स यहाँ होना चाहिए था, जो भी है मैं पॉजिटिवली चार्ज मान रहा हूँ और इन लोगों को पॉजिटिव चार्ज मान के ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपसे बोला गया है फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो आपको तीन चार अलग अलग केसेस ड्रॉ करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना आपका जो क्यूब है उसका साइड लेंथ एल बाई टू है। ठीक है, तो रॉड जो है उसका लेंथ एल है, ये सिचुएशन है टी इक्वल टू जीरो पे, रॉड याद रखना वी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो कुछ देर बाद आप देखोगे है ना, तो रॉड का कुछ लेंथ अंदर चला गया होगा ऑफ कोर्स है ना, तो ये टी इक्वल टू अगर टी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कितना लेंथ अंदर जा चुका होगा, वी इंटू टी। ठीक है, जो लेंथ अंदर गया होगा कितना होगा, वी इंटू टी है ना। ठीक है, अब चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इस केस में फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज कितना है, चार्ज इनक्लोज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो भी रॉड का इंटू लेंथ विच इज इनक्लोज विच इज वी टी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इतना ही लेंथ क्यूब के अंदर है, आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब है ना, तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, आपको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रॉड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, प्रोपोर्शनल है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला बी तो नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, सिर्फ डी हो सकता है और ई हो सकता है। ठीक है, डी और क्या है, ए, ए साइड्स का नाम ए है, हाँ ये ए, ए और डी हो सकता है। ठीक है, अब ए और डी दोनों ओरिजिन से तो पास कर रहे, दोनों स्ट्रेट लाइन भी है। ठीक है, हाँ डी को आप बोल सकते हो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देर रुक जाओ, एक ना एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब रॉड का एंड जो एंड सबसे आगे है वो नेक्स्ट फेस को टच करेगा,
समय तो आएगा ना कभी, ठीक है, कि रॉड का हाफ लेंथ अंदर घुस जाएगा, है ना। ये कौन सा समय होगा, याद रखना, रॉड वी स्पीड से चल रहा है। आप अगर इस एंड का नाम ए रखे हो, है ना, रॉड के फ्रंट एंड का नाम ए रखे हो, तो फ्रंट एंड यहाँ से यहाँ के बीच में, फर्स्ट फिगर से लेके अभी वाले फिगर के बीच में कितना लेंथ चल चुका है, एल बाई टू चेंज चल चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना कवर करना है, एल बाई टू कवर करना है ना। तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो अभी वाला टाइम इतना है ना। अब इस टाइम के बाद देखो क्या होने वाला है, इस टाइम के बाद अगर आप फिगर ड्रॉ भी करोगे, अभी देखना, यही मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है रॉड का जो क्यूब के अंदर हो सकता है, ठीक है, इस कंफिगरेशन में, है ना। इसके बाद वाला अगर आप फिगर ड्रॉ भी करो तो याद रखना, इमेजिनरी क्यूब है, रॉड तो आराम से पार कर सकते हैं, तो अभी भी लेंथ ऑफ द रॉड विच इज इनसाइड द क्यूब मस्ट स्टिल बी एल बाई टू, इवन द रॉड अभी मूव कर रहा है, ठीक है। यानी इस टाइम के बाद से फ्लक्स जो है फिक्स रहेगा, किस मोमेंट तक फिक्स रहेगा फ्लक्स, जिस मोमेंट तक जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड मतलब जो बैक एंड है वो क्यूब के सरफेस को टच ना करे इस पोजीशन तक, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हो कि इस मोमेंट से, इस फिगर से लेके इस फिगर तक चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब हमेशा कितना है, अगर आप निकाल भी सकते हो तो निकाल लो, चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब कितना होगा, लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड द क्यूब इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, एल बाई टू लैम्डा, यहाँ भी चार्ज इनक्लोज एल बाई टू लैम्डा, यहाँ भी चार्ज इनक्लोज एल बाई टू लैम्डा, ठीक है ना। बाय द वे इस मोमेंट में कितना टाइम इंस्टेंट हो रहा होगा, इस मोमेंट में जब ये वाला फिगर ड्रॉ किया है हमने, इस समय रॉड का फ्रंट एंड जो ए है वो टी इक्वल टू जीरो वाले मोमेंट से अभी तक कितना चल चुका है, एल चल चुका है, याद रखना। ये पॉइंट यहाँ से था ना, यहाँ पे था ना, कभी कब था, टी इक्वल टू जीरो पे, तो वहां से अभी तक कितना लेंथ चल चुका है, एल चल चुका है, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। तो इस टाइम तक फ्लक्स फिक्स रहने वाला है मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना। तो आपका फ्लक्स तो आपको पता है शुरू में, तो रॉड जब तक अंदर घुस रहा था तब तक फ्लक्स बढ़ रहा था, लेकिन एक बार रॉड का एग्जैक्टली हाफ लेंथ क्यूब के अंदर घुस चुका है, उसके बाद से चार्ज इनसाइड द क्यूब फिक्स हो गया कुछ देर के लिए, है ना। कुछ देर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जब रॉड बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, मतलब वो लैटर एंड भी बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो चार्ज इनसाइड जो हो जाएगा, या रॉड का लेंथ इनसाइड एल बाई टू से कम हो गया, लेंथ अगर एल बाई टू से कम हो गया तो चार्ज इनक्लोज इससे कम हो जाएगा, समझ में आ रही बात। पहले ज्यादा चार्ज इनक्लोज था, अब कम हो रहा है, कुछ देर बाद आप देखोगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि फिर बाद में कम होने वाला, और इक्वेशन लिख के पता कर सकते हो, तो फिर से वो लीनियर ही आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजन आएगा, ठीक है। अगर टाइम इंस्टेंट देना ही है तो ये एल बाई टू भी है, ये एल बाई बी है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3L/2b, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीरो होने में, जीरो होने के लिए रॉड ऐसा होना चाहिए, है ना। रॉड ऐसा होने के लिए फ्रंट एंड को कितना मूव करना होगा, फ्रंट एंड याद रखना ए यहाँ से स्टार्ट किया था, तो एल बाई टू तो चल चुका है वो, प्लस एल रॉड का लेंथ है, तो टोटल 3L/2, तो 3L/2 वी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, उसने इधर में वापस, तो ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 215, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 216, ठीक है। आपको उतना नहीं सोचना था पिछले क्वेश्चन में, आपको तो ऑप्शंस दिया हुआ था तो तुरंत ही पता चल जाएगा आपको, वो तो हम लोग एक्स्ट्रा एनालिसिस कर रहे थे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना, चीजें। तो 216 में अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, ठीक है। तो आपको अगर गॉस तो लगाना है, गॉस तो अभी वैलिड है जब आपका वेसल या क्लोज सरफेस, क्लोज जो है ना, यहाँ पे सरफेस ओपन है, ठीक है, तो आपको क्लोज करना हो, ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस, इमेजिन डॉटेड लाइन है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसके थ्रू फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे हर तरफ से, है ना। तो ऊपर वाला सरफेस के थ्रू जितने ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे, जिसको फ्लक्स बोलते हैं लूज टर्म्स में, मान लो फाई वन और नीचे में फाई टू है ना, तो सिमेट्री से तो आप बोल सकते हो फाई वन इक्वल टू फाई टू, क्योंकि चार्ज एकदम बीचों बीच लोकेटेड है ना, ये याद रखना, हाफ है, हाफ ऑफ ए, हाफ है ना, चार्ज क्यू प्लेस द सेंटर ऑफ ए
ओपन एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ये सेंटर पे है ना, मतलब इसके ऊपर आप एग्जैक्टली आइडेंटिकल सरफेस रख के इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइव वन इक्वल टू फाइव टू होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि, याद रखना सिलेंडर ही है यहाँ भी, ठीक है, यहाँ पे रखने नहीं बोल रहा हूँ मैं, एकदम सेंटर पे रखा गया चार्ज, ठीक है। मतलब जितना लेंथ यहाँ से आपको सिलेंडर का लेंथ या हाइट दिया गया था, उतना ही हाइट का आपने ऊपर रख दिया, ठीक है। तो फाइव वन इक्वल टू फाइव टू होना चाहिए, है ना। टोटल फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाइव का वैल्यू तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाइव तो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाइव को आप टू फाइव वन लिख सकते हो या टू फाइव टू, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो फाइव वन या फाइव टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपसे पूछा था फ्लक्स थ्रू ये वाला पोर्शन जो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो पहले से दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें ध्यान देना, हम लोग क्या किए, सरफेस को क्लोज किए ताकि गॉस लगा सके, ठीक है। इंटीग्रेशन से करते हो थोड़ा मुश्किल होता। 217 तो ऑब्जेक्टिव टू आ गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अब, ये तो ऑब्जेक्टिव टू को नीट वाले बच्चे उतना सीरियसली ना ले, ठीक है, एम्स वाले ले सकते हैं, नीट वाले उतने सीरियसली मत लेना, है ना। वैसे मैं हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूंगा कि कौन सा सीरियसली लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं लिखा गया था गॉस लॉ में क्या? गॉस लॉ का स्टेटमेंट किसी बुक में पढ़ो तो वैसा नहीं लिखा गया स्टेटमेंट में कहीं भी कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम, ये भी गलत है, इसका भी जिक्र नहीं हुआ है वैक्यूम का भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड, ये भी कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। हम लोग तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो हम लोग गॉस लॉ में ई यूज करते हैं। ई क्या होता है एक्चुअली में? ई तो सिंपली ई बोला जा रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना। नेट बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर ई बोला जा रहा है मतलब नेट ही होगा, लेकिन तब भी मैं टू ड्राइव दिस पॉइंट होम हमें बोल रहा हूँ अलग से इम्फेसिस देके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और लास्ट में द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज बाय द सरफेस, ये स्टेटमेंट सुनने में गलत लग रहा है लेकिन है सही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, कोई भी क्लोज सरफेस है ना। अब आउटसाइड चार्जेस भी प्रेजेंट होंगे, मैं एक ही आउटसाइड मान रहा हूँ क्यू नॉट, और एक एक इनसाइड भी हो गए क्यू आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्जेस ओनली, ठीक है। अब देखो ये क्यों सही है मैं बताता हूँ। तो अगर आप टोटल फ्लक्स निकालो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्जेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, ठीक है। ये इनसाइड चार्जेस का ही फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है सरफेस को, आउटसाइड चार्जेस का ही फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है सरफेस को, है ना। अब फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्जेस को तो वैसे ही रहने दो, आउटसाइड चार्जेस का फ्लक्स जीरो होता है क्योंकि आउटसाइड चार्ज से जितना भी फील्ड लाइंस निकलेगा वो सरफेस को दो पॉइंट पे कट करेगा या करेगा ही नहीं, या टच करके जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड चार्ज का यही तो खासियत होता है ना, क्लोज सरफेस को हमेशा जब भी कट कर रहा हो तो दो पॉइंट पे कट करेगा, तो अंदर आते वक्त फ्लक्स नेगेटिव, बाहर आते वक्त फ्लक्स पॉजिटिव, नेट कंट्रीब्यूशन जीरो, ठीक है। या कट ही नहीं करेगा, ये सब कट नहीं कर रहा, टेंजेंट जो जा रहा वो कट नहीं कर रहा, जो ऐसे जा रहा कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आउटसाइड चार्ज का तो फ्लक्स जीरो होना ही है, तो आप टोटल फ्लक्स में खाली इनसाइड चार्जेस का फ्लक्स लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आउटसाइड का तो वैसे भी जीरो होना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 217, है ना। अब जो सिमेट्री वाला चीज आप सुनते हो कभी कभी, गॉस लॉ को कंफ्यूज किया जाता है कि सिमेट्रिकल सिचुएशंस में वैलिड है, वो गलत है। सिमेट्रिकल सिचुएशन में ज्यादा यूजफुल है, वो मैथमेटिक्स सिंपल हो जाता है सिमेट्रिकल सिचुएशन में। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है जिसको आगे बढ़ना है बढ़ सकते, मैं यहाँ पे लेकिन इसको और अच्छे समझा रहा हूँ अभी कि क्यों सिमेट्री वाले लोग, या क्यों एक क्वेश्चन जो फ्रेम किए हैं एस सी वर्मा सर, क्यों इसको किए, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट रहता है, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना, अधिकतर टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब गॉस लॉ वाला, तो हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, ऐसा क्यों करते हैं? सपोज आपको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसा गॉसियन सरफेस भी लोगे, कुछ अजीबो गरीब है ना, ठीक है। ऐसे तो यूजुअली आप देखोगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल सर्फेस लेते हैं सिमेट्री उमेट्री कंसिडर करके, ठीक है। अब ऐसा लेंगे तब भी गॉस लॉ लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में हालत खराब हो जाएगा,
ऐसा लगाएंगे तो मैथमेटिक्स बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे सिमेट्री से आप प्रूव कर देते हो पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियल है और एरिया वेक्टर तो रेडियल होगा ही। ये हर पॉइंट पे ट्रू है, सही है। सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर रेडियल रहेंगे हर पॉइंट पे, तो आपका मैथ्स बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में सिंपल नहीं रहेगा अगर आप क्यूबिक सर्फेस लेते तो, समझ में आई बात? बस वो फर्क रहता है। मैथमेटिक्स सिंपल हो जाता है अगर सिमेट्रिकल सर्फेस लिए हो तो, या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसिडर करके सर्फेस को सिलेक्शन की तो, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना ऑब्जेक्टिव टू में मल्टीपल करेक्ट होते हैं, ठीक है। वो तो हम लोग लक्की थे या फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आया, यूजुअली मल्टीपल करेक्ट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर है आइसोलेटेड मेटल क्यूब, ठीक है। आइसोलेटेड मेटल क्यूब है ना, द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नहीं भाई, आपने क्यूब को किसी से कॉन्टैक्ट में लाया? नहीं, कॉन्टैक्ट में नहीं लाया तो उसका चार्ज में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अगर वो शुरू में न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा, शुरू में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, शुरू में नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा। आप कल उसके पास ला रहे हो, पास लाने से इंडक्शन हो सकता है, चार्जेस में तो चेंजेस नहीं आ सकते ना। इंडक्शन मतलब क्या? बॉडी के अंदर ही चार्ज इधर से उधर हो सकते हैं, सच दैट कोई पार्ट इफेक्टिवली नेगेटिव हो जाए, कोई पार्ट इफेक्टिवली पॉजिटिव हो जाए, एंड सो उससे इसका मतलब नहीं कि क्यूब चार्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्यूब याद रखना, चार्जिंग का मेथड आप पढ़े हो ना, या तो घस के चार्ज हो सकता है, बहुत से तरीके होते हैं चार्जिंग के, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट में तो लाना ही पड़ता है ना सब केसेस में, है ना। तो अब क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज, गलत। क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, गलत। द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड द सर्फेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, गलत। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद रखना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस का मूवमेंट, जब बंद हो गया होगा उसके बाद चीज़ों को एनालाइज कर रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में मेटल के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता, ठीक है। तो इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री, जो कि सही है, एंड द सर्फेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप मेटल क्यूब, ये है ना, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन है तो मैं इसको न्यूट्रल बोल देता हूँ, है ना। आप कुछ और मान के भी कर सकते हो, तो नेट चार्ज जीरो है, ठीक है ना। अभी कैसा रहेगा? अभी सरफेस पे जितना भी नेगेटिव चार्जेस है उतना ही पॉजिटिव चार्जेस है मान लो, ठीक है। टोटल चार्ज जीरो है, इंटीरियर में तो नहीं रहेगा, आपको पता है ना। नेट चार्ज कुछ भी नहीं रहेगा इंटीरियर में, ठीक है। एक्सेस चार्ज वैसे है भी नहीं, इसके ऊपर मैंने न्यूट्रल माना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते आए, आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते आए, अगर सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते आओगे तो क्या होगा? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। लेकिन प्रोटॉन्स का डेंसिटी तो अभी भी उतना ही है हर जगह, वो तो मूव नहीं कर सकते ना। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाला रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला रीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखा है तो इसका अगर प्लस के तो इसका माइनस क्यों होगा, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन द क्यू हमें जीरो रखना है, ठीक है, अगर न्यूट्रल मानते हो तो शुरू से, ठीक है। तो ये था 218। मूविंग ऑन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 219। हाँ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट M इज गिविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सही है। लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट बोल दिया जाए मतलब ये मान लेना कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। लार्ज मतलब मैं इन्फाइनेटली लार्ज मान के क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। लार्ज मतलब मैं इन्फाइनेटली लार्ज मान रहा हूँ, है ना। यूजुअली लार्ज मतलब वही होता है, ठीक है। टू अनचार्ज स्मॉल मेटल रॉड्स ए एंड बी आर प्लेस नियर द शीट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये याद रखना नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो सकता है ना, तो इसमें हमेशा यूनिफॉर्म चार्ज ही रहेगा। एक बार आप यूनिफॉर्म दे दियो तो आसपास कितने भी चार्जेस लेते हो यूनिफॉर्म ही रहने वाला है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है ना। तो मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इफेक्टिवली ऐसा
इंडक्शन हो जाएगा चार्जेस का, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये चीज़ आप सोचोगे कि इस नेगेटिव को कस के अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव को उतना कस के रिपेल नहीं करेगा, वो गलत सोच रहा आप, क्योंकि ये इन्फाइनाइटली लार्ज में मान रहा हूँ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आप अगर इन्फाइनाइटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन आता है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा ये फील्ड, हर पॉइंट में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ये पास है ये दूर है, मतलब क्या है, यहाँ पर अगर प्लस क्यू को रखो आप तो इस प्लस क्यू को जितना कस के रिपेल करेगा, यहाँ का माइनस क्यू को उतने कस के अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यही होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इसके कारण जो फोर्स आएगा वो खाली वो भी उस पर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी ये सिग्मा है तो इस नेगेटिव पे जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इस पॉजिटिव पे उतना ही रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो एम का फोर्स ऑन ए जीरो, सिमिलरली एम का फोर्स ऑन बी भी जीरो, ठीक है। हाँ, अब लेकिन ए तो बी को अट्रैक्ट करेगा, ए में तो ऐसा है और बी में ऐसा है, ठीक है ना, है ना। अब आप देख सकते हो ये तो इनको अट्रैक्ट करेगा आपस में, है ना। जैसे इसका प्लस को देखोगे तो ये प्लस इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन्फाइनेटली लार्ज नहीं है, या ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ना करे, तो ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, इसके पास वाले चार्जेस को ज़्यादा कस के खींचेगा और दूर वाले को उतना कस के रिपेल नहीं करेगा, तो इफेक्टिवली ये चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आई बात। तो ए अट्रैक्ट भी बी अट्रैक्ट से ये होगा, लेकिन एम अट्रैक्ट से एम अट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। एम अट्रैक्ट से एम अट्रैक्ट भी हो जाता अगर ये फाइनाइट साइज का रहता, ठीक है, लार्ज नहीं मानते इसको, फाइनाइट साइज का रहता तब मैं मान सकता था, ठीक है। अगर ये फाइनाइट साइज का रहता, मतलब इसको इन्फाइनाइटली लार्ज नहीं मारते, तब इससे जितना दूर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होते जाता, ठीक है। तब ये वाला पास है इसके, ये वाला दूर है, तो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, तो ज़्यादा फोर्स लगता है, इस पे कम फोर्स लगता है तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इन्फाइनेटली लार्ज अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 219, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 220। हाँ ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन चूज करने हैं कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होगा, कुछ पॉइंट पे जीरो होगा, हर पॉइंट पे जीरो हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यही ऑप्शंस दिए गए आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, ठीक है। तो किसी क्लोज सरफेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जीरो है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये तो गलत है। या तो किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देना है, मैं दे देता हूँ। सपोज यहीं पे एक चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, अब इसके कारण यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको सबको पता है ऐसा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सर्फेस, मैंने दिखा दिया एक पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो दिखा दिया, तो स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव होगी, ठीक है। अब इसको और अगर अच्छे समझना है तो मैं सिंपली जिनको मैथ्स आता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर ये चीज जीरो है तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि वाई इज जीरो एवरीवेयर, दिस डज नॉट इम्प्लाई वाई इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है। हाँ वाई जीरो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया भी तो हो सकते हैं ना, सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप एरिया निकाल रहे हो तो मान लो जीरो आ गया, क्योंकि पॉजिटिव एरिया से नेगेटिव एरिया है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हर पॉइंट पे वाई ही जीरो है, नहीं, यहाँ तो है वाई का वैल्यू, यहाँ भी वाई का वैल्यू है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है। वही चीज़ है, जब हम लोग फ्लक्स बोलते हैं तो बहुत सारे नंबर्स का वो समेशन है, ठीक है, इंडिविजुअल बहुत सारे इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स का सम है। तो आपको बंच ऑफ नंबर्स का सम अगर जीरो दिया है तो आप क्या ये बोलोगे कि हर एक सम ही जीरो, हर एक नंबर ही जीरो है, वो तो नहीं बोलोगे ना, तो बेकार कंक्लूजन है, ठीक है। हाँ मे भी जीरो होता हो सकता है ना, बट आप कंफर्म कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू बी सो श्योर, ठीक है। सेकेंड जो है ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे भी जीरो, मे भी जीरो करते अच्छी अच्छी बात है, ये डाउटफुल है, अच्छी बात है ना, हो भी सकता है जीरो, है ना।
उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मे भी बोला है तो एक सपोर्ट में एग्जांपल दो। इस केस में कोई भी कहीं भी चार्ज नहीं, कहीं भी चार्ज नहीं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे कहीं भी कोई चार्ज नहीं, ठीक है। द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, ये जरूरी है क्या? नहीं, नेट चार्ज इनसाइड मस्ट बी जीरो, ठीक है। जैसे इसी केस में प्लस क्यू माइनस क्यू डाल दो, चार्ज इनसाइड जीरो है क्या? नहीं, चार्ज ऑब्जेक्ट से प्रेजेंट है, नेट चार्ज इनसाइड जीरो, ठीक है। फ्लक्स जीरो आपको बोल दिया, मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, फ्लक्स जीरो है तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो हो सकता है, होगा अगर अंदर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सर्फेस मस्ट बी जीरो, ये भी गलत है, इसका तो काउंटर एग्जाम्पल फर्स्ट केस ही, ठीक है। तो इसका खाली बी होगा क्वेश्चन नंबर फोर का, है ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर में क्यों बोला, कितना चल रहा था नंबर अपना, 220, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 221। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। तो एक स्फीयर ले लो आप, चलो स्फीयर ड्रॉ करने का मन नहीं, मैं टूल यूज कर लेता हूँ। एक स्फीयर है, उसके सेंटर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। मतलब डायपोल का सेंटर है और स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वही है ना। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्ट्रिक डायपोल याद रखना, जब भी हम लोग बोलते तो बहुत ही छोटा चीज है, तो सेंटर के आसपास भी रहेगा तो हम लोग बोल देंगे सेंटर पे, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो, सही है, क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज बाय द स्फीयर कितना है, जीरो है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्लक्स जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट, गलत। आप देखो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ही आए, और आपको पता है डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही नहीं है, ठीक है। डायपोल एक ऐसा चीज है जिसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब चेक कर लेना, डायपोल के कारण कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा ही, कहीं भी आप दुनिया में कोई पॉइंट ले लो, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा ही ना, ठीक है। द फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर, ये सही है, जैसे मैं बोला फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑफ द स्फीयर, तो नॉट जीरो एनीवेयर है तो ए और सी होगा, ठीक है। तो आपको अगर फोर्थ ऑप्शन समझना है तो एक सर्कल मतलब कोई भी एक सर्कल ले लो ऑन द स्फीयर, अब उस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं कहीं भी नहीं इज इक्वल जीरो, क्योंकि ये डायपोल है, डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही नहीं, ठीक है। इधर 221, नेक्स्ट क्वेश्चन 222। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग शायद एक एडवांस में किए थे, ठीक है, ऐसा टाइप का था, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। कहाँ कहाँ रखने से फ्लक्स में चेंजेस आएगा, वही क्वेश्चन है शायद। शो द चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपके पास हेमिस्फीयर दिया गया है ये, और उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया, ठीक है। अ सेकेंड चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन, इन विच ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेकेंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो सपोज आप कैपिटल क्यू को यहाँ पे रखे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैपिटल क्यू को कहाँ पे रखना चाहिए, ए बी सी डी इन चार पोजिशन में, ताकि फ्लक्स अनचेंज रहे, है ना। तो कैपिटल क्यू को यहाँ पे रखोगे तो देखो तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये टच करके निकले, टच करके निकलने से कोई फ्लक्स नहीं आता है ना, क्रॉस करना पड़ता है, या तो क्रॉस करें, अब क्रॉस करने में हमेशा दो जगह क्रॉस करना होगा इसको, ठीक है, एक जगह नेगेटिव फ्लक्स एक जगह पॉजिटिव फ्लक्स, इफेक्टिवली जीरो, या तो टच करके निकले फिर से कोई फ्लक्स नहीं, या तो कुछ लेना देना ही ना हो, ऐसा या ऐसा दोनों सेम ही चीज़ है, तो कोई फ्लक्स नहीं, है ना। तो आप देख सकते हो पॉइंट ए पे रख रहे हैं तो जितनी फील्ड क्रॉस भी कर रहे हैं वो दो जगह क्रॉस कर दे रहे हैं, एक जगह नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे एक जगह पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रखने से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब नेट फ्लक्स मतलब क्या, फ्लक्स में चेंजेस आएंगे कि नहीं, क्योंकि क्यू के कारण जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है ना। फ्लक्स में तभी चेंज आएगा जब नेट लाइंस क्रॉस हो, क्रॉस मतलब हाँ खाली घुस रहे हैं या खाली निकल रहे हैं, ठीक है। घुसने और निकलना इफेक्टिवली कैंसिल हो जाते हैं। अब बी पे रखोगे तो आपको वैसे लाइंस मिल जाएंगे, फील्ड लाइंस जो खाली एक बार क्रॉस कर रहे हैं, जैसे देखो ये सब एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ घुस रहे, ठीक है, निकल नहीं रहे। हाँ कोई कोई लाइंस है कि जो घुस भी रहे निकल भी रहे, इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीरो नहीं है ना, ठीक है। सिमिलरली डी पे भी रखोगे तो
सिर्फ एक बार पेनिट्रेट करने वाले आपको लाइंस मिल जाएंगे तो फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, मतलब फ्लक्स में चेंजेस आ जाएंगे। और डी सी का भी वही कहानी है जो ए का था, लाइंस हमेशा दो बार ही कट करेंगे जब भी करेंगे, नहीं तो कोई लेना देना ही नहीं है, या तो वैसा रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि किन दोनों पॉइंट्स पर रखने से फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स थ्रू रिमेन्स अनचेंज है ना। तो ए पे रखने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा और सी पे रखने से, ठीक है, ए और सी। ये था 222। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ। तो इसको भी दो पार्ट्स में लाना होगा, अलग अलग पेजेस में। तो ये क्वेश्चन तो मुझे याद है, मैंने एडवांस में किया है, एडवांस वाला लेक्चर शायद मल्टीपल करेक्ट वाले में किया ही होगा, हाँ उसी में किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अ क्लोज सरफेस एस इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच एज द स्विच इज क्लोज। याद रखना हम लोग हिंदुस्तानी लोग हिंदी में जब बोलते हैं स्विच बंद करना मतलब स्विच ऑफ करना, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में स्विच को क्लोज करना मतलब स्विच ऑन करना होता है, ठीक है। स्विच इज क्लोज मतलब स्विच ऑन है, याद रखना बस, इससे कंफ्यूज मत हो। स्विच ऑन, ठीक है, स्विच इज क्लोज मतलब स्विच ऑन होता है, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इन एनी टाइम इंटरवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग इट, तो यहाँ ये भी बता दिया गया, अच्छी बात है। ऑन क्लोजिंग द स्विच द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सर्फेस, ठीक है। तो स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद फ्लक्स में कोई फर्क आया है कि नहीं, अल्टीमेटली वही पता करना है, ठीक है। जब स्विच क्लोज नहीं किया, जैसे जो फिगर है या स्विच ऑफ बोलते हैं ना, स्विच इज ऑफ, तो इसके में तो कोई करंट दौड़ नहीं रहा है, कोई करंट नहीं दौड़ रहा है, तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो इफेक्टिवली रेस्ट पे रहते हैं, मान सकते हो, है ना। तो इस वॉल्यूम में जितना भी प्रोटॉन्स है रेस्ट को, उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे, ठीक है। लेकिन स्विच जब ऑन कर दोगे आप, तो सर्किट ऑन है, ठीक है, तो फिर से आप उसी वॉल्यूम को देखोगे तो आपके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ स्विच ऑन कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन ने बोल दिया ना, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन घुस रहा है उतना निकल रहा है, तो किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो पहले अगर तीन इलेक्ट्रॉन था इस क्लोज सर्फेस के अंदर, बहुत ज्यादा रहता होगा नंबर, मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो अभी भी तीन ही रहेगा, क्योंकि जितना घुस रहा है जितना निकल रहा है उतना घुस भी जा रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो तीन से जैसे दो होता ही रहेगा वैसे ही वहां से एक और घुस जाएगा, तो अल्टीमेटली तीन ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फ्लक्स विल नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, तो फर्स्ट दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स जीरो, क्योंकि शुरू में भी देखोगे तो जीरो ही था ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है ना, और बाद में भी जीरो ही रहेगा, तो रिमेन्स अनचेंज भी है, रिमेन्स जीरो भी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन 223, है ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 224, ये लास्ट क्वेश्चन एस सी वर्मा का, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले पार्ट का, जो ये भी दो पार्ट में है। एस सी वर्मा तो मतलब बहुत ही जरूरी है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एस सी वर्मा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते एग्जाम में, वो गलत फहमी है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप कितना भी, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप कितना भी जनरेट कर सकते हो, इन्फिनेटली मेनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आपको तो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना, कॉन्सेप्ट में ध्यान दिया करो, ठीक है। सिलेबस से बाहर तो नहीं है पूछेंगे चीज़ें, और हर एक चैप्टर में की कॉन्सेप्ट तो, कोई भी चैप्टर जैसे कि वॉस्तव में उठा लेंगे तो की कॉन्सेप्ट पाँच या छः ही रहते हैं, ठीक है, वही समझना रहता है हमें हर चैप्टर में बस। अब उसके लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन करें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में शोज अ क्लोज्ड सरफेस विच इंटरसेक्ट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो डॉटेड लाइन जो है वो एक क्लोज सरफेस है, और ये सॉलिड लाइन एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, तो फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस विल इंक्रीज डिक्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या हो जाएगा बताना है, ठीक है। तो अभी पॉइंट पी पे नो चार्ज है, मान लो पॉइंट पी पे कोई चार्ज नहीं रखे हमने, है ना, तब क्या होगा, क्योंकि एक कंडक्टर है, याद रखना डॉटेड लाइन तो इमेजिनरी है, ठीक है। एक कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही नेगेटिव चार्जेस, है ना, न्यूट्रल कंडक्टर मान लो, ठीक है, समझ में आई बात।
तो यहाँ पे अब जैसे ही यहाँ पे आप चार्ज रख दोगे, तो मतलब क्या आपको देखो इसके थ्रू फ्लक्स अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, फ्लक्स जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे उतना ही प्रोटॉन्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो नेट चार्ज जीरो है ना, क्योंकि आपका जो कंडक्टर उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो, यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर लिख देना चाहिए था, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ना, न्यूट्रल बोलना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिनेरियो में क्या किए हम लोग, मैं अलग से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख दिया, प्लस चार्ज रख दिया तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पहले आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा था, फर्स्ट फिगर में वापस देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा था वो तो इधर ज्यादा आ जाएंगे और इधर कम हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव तो हिल नहीं सकता था, पॉजिटिव तो अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो। अल्टीमेटली हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं ना कि अभी ये जो आपका गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू चार्ज इनक्लोज जो है पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो उस तरफ अट्रैक्ट हो गए ना, पहले तो यहाँ कोई चार्ज नहीं था अट्रैक्ट करने के लिए, तो यूनिफॉर्मली थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों, लेकिन अब जब यहाँ पे चार्ज आ गया, प्रोटॉन तो हिल नहीं सकते, तो प्रोटॉन अभी भी वैसे ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हिल गया ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ गया, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली इस रीजन में आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फ्लक्स विल इंक्रीज, ठीक है, बस और कुछ नहीं, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग एक चीज और यहाँ पे बोल सकते थे, तब न्यूट्रल बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा, न्यूट्रल बोलने की जरूरत नहीं। देखो मैंने न्यूट्रल क्यों बोला था वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ, न्यूट्रल नहीं बोलते तब भी क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऑप्शन उस टाइप के दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, सपोज आपका कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज भी है मान लो, ठीक है, आपको बोले क्या, अगर यहाँ पे न्यूट्रल नहीं लिखा गया है तब यहाँ पे विल बिकम पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए था, विल इंक्रीज अगर लिख देते तब क्वेश्चन सही रहता, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज भी, एक्सट्रीम केस, तो नेगेटिवली चार्ज तो अभी फ्लक्स क्या है, इसके थ्रू नेगेटिव है, ठीक है। और जब यहाँ पॉइंट बी पर पॉजिटिव डाल दोगे तब क्या हो जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज तो कुछ नेगेटिव, ज्यादा अधिकतर नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी कम है नेगेटिव चार्ज, लेकिन फ्लक्स है अभी भी, ठीक है। यहाँ भी फ्लक्स था नेगेटिव है, यहाँ भी फ्लक्स है नेगेटिव ही है, लेकिन सेकेंड केस का मैग्नीट्यूड कम है फर्स्ट केस के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इंक्लोज जो हुआ है वो कम हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव नहीं हो गया फ्लक्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सही हो सकता था, है ना। तो ये था 2 to 4, अब तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, पता है ना।